आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर गवर्नमेंट आपसे फीस लेगी, ऐसा जो है बात चल रही है। और ये जो हमारा बजट आने वाला है 1 फरवरी 2022 को, इसमें ऐसा प्रोविजन डालने की बात कही जा रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या ये सही है या गलत है। पहले हम इस प्रोविजन को पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट ने ओपिनियन मांगा है कि हम एक फीस लगाने जा रहे हैं। आप इसे ऐसे समझिएगा, जो लोग प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का काम करते हैं, जब वो आरओसी का कोई फॉर्म फाइल करते हैं तो वहां पर एक फीस जाती है, 300 रुपये 400 रुपये पर फॉर्म फीस जाती है। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि आज के बाद जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे, तो हम एक फीस लगाने जा रहे हैं बजट 2022 में। आप बताओ ये सही है या नहीं। सर फीस कितनी होगी? तो इन्होंने कहा, देयर आर न्यूमरस केसेस वेयर इन द इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बट नो टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट। कि भाई आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही नहीं देते हो, तो भाई अगर मेरी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है तो क्या मैं जबरदस्ती टैक्स दे दूं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है अगर भाई आपकी इनकम पर टैक्स लगता है तभी तो टैक्स दो। ऐसा थोड़ी है मेरी इनकम पर टैक्स लगता है और मैं टैक्स नहीं देता। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि तुम रिटर्न फाइल करते हो, हमारे पास कोई टैक्स नहीं आता, उस रिटर्न को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें हमारा स्टाफ कंज्यूम होता है, हमारी टेक्नोलॉजी कंज्यूम होती है, हमारे संसाधन कंज्यूम होते हैं, तो नील रिटर्न की वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एक्सेप्टेंस, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, अपडेशन, इन सब की एक प्रोसेसिंग कॉस्ट तुमसे लेने वाले हैं। सर कितना लेंगे ये प्रोसेसिंग कॉस्ट? ये कह रहे हैं दिस इज डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदाउट ए सिंगल रुपी। अभी तक तो ये कुछ भी पैसा नहीं लेते थे, लेकिन टू ओवरकम दिस द गवर्नमेंट में प्लान टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न फाइलिंग फीस। कि ये एक रिटर्न फाइलिंग फीस का कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर ए मिनिमम फाइलिंग फीस इज 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए लेंगे। अब इस चीज को समझो, अगर 5 करोड़ रिटर्न जाती है तो इनके ऊपर कितना पैसा आ जाएगा अगर ये 1,000 रुपए लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना गवर्नमेंट, जैसे ही तुमने रिटर्न फाइलिंग फीस लगाई 1,000 रुपए, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी रिटर्न भरवाएंगे ही नहीं। और अगर वो रिटर्न नहीं भरवाएंगे, इसका सीधा इम्पैक्ट सीए के ऊपर आएगा, इसका सीधा इम्पैक्ट एडवोकेट्स के ऊपर आएगा, इसका सीधा इम्पैक्ट प्रोफेशनल्स के ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसी आईटीआर भरते हैं जिनकी उन्हें फीस ही 1,000 रुपये मिलती है, 1,500 रुपये, 2,000 मिलती है। और अगर आपने 1,000 रुपये की ये लगा दी कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो हम आपसे 1,000 रुपये लेंगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न का ग्राफ जो है नीचे गिर जाएगा, बहुत सारे लोग अपनी आईटीआर भरवाएंगे ही नहीं। तो यहां पर इस बात को समझना है कि अगर गवर्नमेंट ये प्रोविजन लेकर आती है तो ये बड़ा खतरनाक होगा, 1,000 रुपये बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहां पर ये कह रहे हैं कि हम 5,000 भी लेंगे, 10,000 भी लेंगे कंपनीज से। अरे भाई कंपनीज, कई कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है ना, जिनकी 10,000 रुपये वो टैक्स नहीं जमा करते, उनका प्रॉफिट इतना नहीं होता, तुम उनसे 10,000 की फीस लेने की बात करते हो, तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट को कौन लोग ये सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसी फीस ले लो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई फीस लेनी शुरू करी तो क्या आईटीआर भरना डाउन हो जाएगा या नहीं, क्या इससे प्रोफेशनल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा या नहीं। तो यहां पर क्या कहती है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट में लाइकली टू बी एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट रिवेन्यू ऑफ अराउंड 3,000 करोड़। ऐसा करने से गवर्नमेंट को 3,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। दिस विल आल्सो बी यूज्ड टू ए टूल ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी डेटा। कह रहे हैं कि जो जेन्युइन है वही डेटा आएगा, फालतू की रिटर्न, अनवांटेड रिटर्न फाइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा ये गवर्नमेंट चाह रही है करना। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर ये सही है या गलत है। क्योंकि देखो हमने क्या करा है, हमने एक वीडियो और बनाई थी कि बजट में क्या क्या चीजें आ सकती है। हालांकि जैसे ही बजट आएगा तो हमारी टीम तैयार है एक सेशन करने पर कि बजट में क्या क्या हुआ।
जैसे ही 1 तारीख को बजट आएगा, हम 2 फरवरी को शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक वेबिनार रखेंगे, जिसमें सीए जय गुलिया जी, डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट और मैं, जीएसटी एक्सपर्ट, आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेज बजट में हुए हैं और वो आपको कैसे इंपैक्ट करेंगे। ये तो सिर्फ एक वेबिनार है, हमारे इस महीने में कई सारे वेबिनार है। जैसे हमारा एक्सेल का वेबिनार है, जिसमें जम्मू कश्मीर से सीए प्रिया सेठ जी एक्सेल के बारे में आपको बताएंगी। ऐसा ही हमारा स्टॉक मार्केट पर वेबिनार है, स्टॉक मार्केट के अंदर सीए महेंद्र सिंह जी हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको किसी भी वेबिनार में एडमिशन लेना है, तो जो हमारी टीम है, आप इन्हें व्हाट्सअप करके वेबिनार की डिटेल मांगिए और ये सारी चीजें हम अपनी मैगजीन में देने वाले हैं फरवरी एडिशन में। अगर किसी ने अभी तक मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।